चुवारी भतियात विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने चुवारी के लोनिवी के विश्राम गृह चुवारी में पत्रकार वार्ता के दौरान विक्रम सिंह जरियाल व जरियाल एंड कंपनी द्वारा भतियात विधानसभा क्षेत्र में फैलाए जा भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग में 53 करोड़ रुपए के ऑफलाइन टेंडर कर उनका ही विकास किया है। उन्होंने कहा कि विधायक आए दिन विकास का राग अलापते रहते हैं, लेकिन यह बताएं कि उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या काम किया है वह खुले मंच पर बताएं। उन्होंने कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि वह अक्सर अपने आप को सड़कों का विधायक बताते हैं। विधायक बताएं कि उनकी विधायक प्राथमिकता में कितनी सड़कें बनकर तैयार हुई हैं। उन्होंने कहा कि भतियात विधानसभा क्षेत्र में जो भी सड़कें बनी हैं वह कांग्रेस सरकार या मेरे द्वारा विधायक प्राथमिकता में डाली थी। उन्होंने कहा कि अगर विधायक यह सिद्ध कर दे सारा विकास उन्हीं के द्वारा करवाया गया है तो राजनीति तो दूर पब्लिक लाइफ से भी संन्यास ले लूंगा। उन्होंने कहा कि विधायक जो भी कोविड के दौरान जो भी सामग्री लोगों वितरित कर रहे हैं वह या तो सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। और विधायक यह बताएं कि भतियात विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने विधायक निधि से कितनी राशि स्वास्थ्य सेवाओं में वितरित की है। विधायक को आड़े हाथों लेते सिहुता कॉलेज के निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए तत्कालीन सरकार ने स्वीकृत करवाए थे। उन्होंने जरियाल एंड कंपनी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए कहा हटली औद्योगिक क्षेत्र में 3 प्लाट बेटे व भतीजों के नाम लिए हैं। विधायक बताएं कि उनकी सोर्स ऑफ मनी क्या है जिसके तहत उन्होंने 5-5 लाख जमा करवाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा विक्रम सिंह जरियाल का सारा काला चिट्ठा मेरे पास है और सत्ता परिवर्तन के 3 महीने के बीच सलाखों के पीछे होगा। पठानिया ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान अस्पताल व अन्य विभागों में सभी पदों पर अनुभवी व शिक्षित लोग काम करते। विधायक ने केवल प्रतिशोध की भावना से काम करते हुए कर्मचारियों के तबादले किए हैं और 5 केस विधायक पर हाईकोर्ट में चले हैं। उन्होंने कहा कि भतियात विधानसभा क्षेत्र में जो भी योजनाएं चल रही हैं जैसे सीवरेज सड़के पेयजल योजनाएं चल रही हैं वह सब विधायक प्राथमिकता में डाली हुई हैं। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने चुवाड़ी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने स्टाफ को सम्मानित किया। उन्होंने मरीजों को फल वितरित किए। आर्या टाइम्स वेब टीवी भूषण गुरंग की रिपोर्ट। वर्तमान की इन्होंने कई लांछन लगाए चुनाव में मेरे पर और 3 वर्ष हो गए इनकी सरकार को। जोर लगा लिया इन्होंने ऊपर से नीचे तक, अभी भी जोर लगा लें 1 वर्ष में। और मैं ये आपको आज बता रहा हूँ, यहाँ मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आ गया है, विकास का रिकॉर्ड आ गया है। विकास सिंबल घट्टा का हुआ है, विकास सिंबल घट्टा की सड़क का हुआ है, वहाँ डंगे अंदर और बाहर लगे हैं। मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ गया है कि मैं और अलग से इंटरव्यू करूँगा कि जो टेंडर प्रक्रिया है पीडब्ल्यूडी की उसमें ऑफलाइन 53 करोड़ के टेंडर हुए, 53 करोड़ के ऑफलाइन। ये पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी भी उसमें दोषी हैं और वो सिलेक्टेड आदमियों को गए हैं। केवल मात्र जरियाल एंड कंपनी उसके परिवार के सदस्य और कुछ उसके रिश्तेदार हैं। सारा 53 करोड़ का काम इन्होंने किया है और वो सारे ठेकेदार बन बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के 10-20 लोग। आम आदमी को तो किसी को कोई ना ठेका मिलता है ना कोई काम मिलता है। आज जितनी अपॉइंटमेंट्स आउटसोर्सिंग हुई हैं उसमें इनके रिश्तेदार लगे हैं। अभी शिवता में आउटसोर्स से अपॉइंटमेंट हुई, सूरज जरियाल का बेटा है, 3 प्लॉट वहाँ कैंसिल करवा के बिना ऑक्शन हुए इंडस्ट्रियल एरिया में। वो जो है अभिमन्यु जरियाल जो उनका बेटा है, अमित जरियाल जो सूरज का बेटा है और अनूप जरियाल जो बच्चन सिंह का बेटा है, उन्होंने 3 प्लॉट लीज पर